यकसा निज़ाम तालीम पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही पुरानी ख्वाहिश थी जो गवर्नमेंट जो है पूरा करना जा रही है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर दो तबकाती निज़ाम जो हैं वजूद में आ चुके थे। एक वो था जो गरीब के लिए अलग तालीम थी और अमीर के लिए अलग तालीम थी। गरीब के अंदर एहसास महरूमी पाया जा रहा था, गरीब लोग हैं उनका जो एहसास महरूमी है वो ख़त्म हो जाएगा, माशरे में इसके मुस्बत असरात मुरतब होंगे। यकसा निज़ाम तालीम का राइज होना जो है वो खुश आइंद है। तीन तरह का तबकाती निज़ाम तालीम है, एक अलीट क्लास के लिए निसाब तालीम है, दूसरा मिडिल क्लास तबके के लिए, और तीसरा जो हमारे मदरसों में एक निज़ाम तालीम है। यकसा निज़ाम तालीम लागू कर देते हैं, ये बहुत बड़ी कामयाबी है, पाकिस्तान के लिए बड़ी खुश आइंद बात होगी। यकसा निज़ाम तालीम जो गवर्नमेंट की तरफ से राज किया जा रहा है, ये बहुत ही अच्छा इकदाम है जिससे तबकाती निज़ाम तालीम का खात्मा होगा और अमीर और गरीब के बच्चे का जो कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म होगा और गरीब के बच्चे को एक अच्छी और मेरी तालीम हासिल करने का मौका मिलेगा। मौजूदा हुकूमत ने एक बड़ा इनकलाबी और अहम कदम उठाया है कि उन्होंने तमाम बुनियादी जो इब्तदाई क्लासेस लेकर हाई क्लासेस तक जो एक निसाब बनाया है और उसको इम्प्लीमेंटेशन करने जा रही है, ये बड़ा अहम काम है। हमारी भी ख्वाहिश है कि ये जो मंसूबा है ये चूँकि एक बड़ा अहम मंसूबा है और आने वाली नस्लों के लिए इस एतबार से अहम है कि उनको मुश्तरका निज़ाम तालीम के तहत मुश्तरका निसाब मिलेगा, तो मैं समझता हूँ कि ये एक खूबसूरत कदम है जिसके हम पिछले 74 बरसों से मुंतज़िर थे। तालीम और तरबियत जो है वो अफराद की इनफरादी नहीं होती बल्कि कौमी होती है। अफराद तालीम के ज़रिए कौमों को जन्म देते हैं। यकसा निज़ाम तालीम जिसका नफाज इस मुल्क में हो रहा है कि इससे हम एक अच्छी कौम बनकर उभरेंगे, दुनिया के नक्शे पर हम एक ऐसे पाकिस्तान की तश्कील करेंगे जो एक फलाही रियासत होगा। हुकूमत वक्त का भी मशकूर हूँ कि उन्होंने ये एक बहुत अक्सर इकदाम जो है उठाया है, हमारा निज़ाम तालीम यकसा हो ताकि माशरती ऊंच नीच अफरात तफरीक ख़त्म हो जाए और हम एक मजमू तौर पर खूबसूरत कौम बनकर उभरें।